नमस्कार दोस्तों, आई एम मनीषा एंड वेलकम यू ऑल इन मनीषाज वर्ल्ड ऑफ वास्तु में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, नमक ऐसी चीज़ है कि खाने में नमक ना हो तो खाने का स्वाद बेस्वाद हो जाता है। सिर्फ एक चुटकी नमक के न होने से पूरा खाना बेकार हो जाता है। दोस्तों, नमक सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता है बल्कि हमारे जीवन को भी संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाता है। वास्तुशास्त्र में नमक को बेहद उपयोगी माना गया है। केवल एक चुटकी नमक आपकी कई समस्याओं का हल निकालता है, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाने का अचूक उपाय भी है। वैसे तो नमक के अनेकों इस्तेमाल और फ़ायदे हैं, और उनमें से एक यह भी है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा का भी विनाश होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि नमक के कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं जिनको करने से हमारी ज़िंदगी खुशहाल और सुख समृद्धि से भर उठती है। सबसे पहला है दोस्तों कि वास्तु विज्ञान के अनुसार शीशे के प्याले में नमक भर करके शौचालय और स्नान घर में रखना चाहिए, इससे वहाँ का वास्तु दोष दूर होता है। इसका कारण यह है कि नमक और शीशा दोनों ही राहु के वस्तु हैं और राहु के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने का काम भी करते हैं। राहु नकारात्मक ऊर्जा और कीट कीटाणुओं का भी कारक माना गया है, जिनसे घर में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसके बाद है दोस्तों कि शीशे के बर्तन में नमक भरकर घर के किसी कोने में रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। राहु केतु की दशा अगर चल रही है तब मन में बुरे विचार या डर भी पैदा होते हैं, तब यह प्रयोग बहुत ही लाभ देता है। रात को सोते समय पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर हाथ पैर धोने से तनाव दूर होता है और नींद भी अच्छी आती है। डली वाला नमक लाल रंग के कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से घर में किसी बुरी ताकत का प्रवेश दोस्तों नहीं होता है। इसके बाद है घर में धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए दोस्तों कांच के ग्लास में पानी लें और उसमें एक चुटकी नमक मिलाकर घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में इस ग्लास को रख दें, और दोस्तों जब ये पानी सूख जाए तो पुनः इस ग्लास में धो करके इसमें पानी भरे, नमक भरे, वापस से नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसको रख दें। इससे घर में धन का प्रवाह सदैव बना रहेगा। दोस्तों, अगर कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। एक सप्ताह बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे खुद ब खुद देखेंगे कि उसकी सेहत में सुधार होने लगा है, लेकिन डॉक्टर की भी सलाह मशवरा ज़रूरी है। दवा और दुआ दोनों करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि भोजन करते समय अगर आपको दाल या सब्जी आदि में नमक या मिर्च कम लगे तो ऊपर से नमक नहीं लेना चाहिए। इससे आपका शनि, चंद्र, मंगल का दुष्प्रभाव भी आपको मिलता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से ही बंद कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि ये आपको कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको लेना ही है ऊपर से तो सफ़ेद नमक मत लें, सेंधा नमक ले सकते हैं, उसको लेने से कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो यही थी कि नमक के यूजेस और कैसे यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता था तो अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको पता चल गया तो आप ऐसे ही यूज़ करें ताकि आपकी सेहत बनी रहे और आपके घर के अंदर का माहौल भी बैलेंस रहे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।